हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में एचपी इंक टैंक 316 प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। क्या क्या प्रोज है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा, प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है, प्राइसिंग आपको क्या पड़ेगी इनिशियल, और ये कैसे लेज़र जेट और जो कार्टेज वाले प्रिंटर रहते हैं, इंक जेट प्रिंटर रहते हैं, उसमें से बेटर कौन सा है तीनों प्रिंटर में से, सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, और इस प्रिंटर के बारे में हम सब चीज़ जानेंगे, देखेंगे। मुझे करीब 1 साल हो गया है इस प्रिंटर को यूज़ करते हुए, और अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो और देखते हैं क्या क्या हमको यहाँ पे इनिशियल हमको देखने मिलता है और कैसे हम सेटअप कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले ये जब प्रिंटर आपके पास आएगा तो पॉलीथीन में पैक होके आएगा। मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप देख सकते हैं, साल भर पहले मैंने डाला हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इंक डालना होता है, जहाँ पे चार बॉक्स बने होते हैं। ये सबसे पहला जो सबसे HTML का है वो ब्लैक का रहता है, बाकी क्यान, मेजेंटा और येलो कलर रहते हैं तीन। और साल भर बाद भी यहाँ पे देखिए आप, कलर यहाँ पे बचे ही हुए हैं, कलर उतने यूज़ नहीं हुए हैं। और मैं पीछे दिखा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर है और यहाँ पे जो है आपका पावर, यहाँ पे पावर केबल लगता है यहाँ पे, जो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है ये आप लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप USB के थ्रू यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और बात की जाए इनलेट और आउटलेट की, तो यहाँ से आप इनलेट कर सकते हैं, यहाँ से पेपर डाल सकते हैं। मैं सामने आपको दिखा देता हूँ, ये 5x7 4x6 A4 पेपर भी डाल सकते हैं और लेटर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आउटलेट का मिल जाएगा, यहाँ से पेपर आपको प्रिंट होके निकल जाते हैं। और मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे तो अंदर कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। दो प्रिंट हेड देखने को मिलेंगे आपको, जो अभी साइड में हो गए होंगे। इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट हेड है, यहाँ पे दो प्रिंट हेड है, एक कलर वाला और एक ब्लैक एंड वाइट वाला। तो यहाँ पे जैसे ब्लैक एंड वाइट यहाँ लगेगा और कलर यहाँ लगेगा, ये इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया है। ये सब सेटअप आपको करना पड़ेगा, अगर प्रिंटर आपको आता है, अगर सेटअप कैसे करना है वो जानना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इस चैनल पे ही आपको मिल जाएगा, सबसे फर्स्ट वीडियो है। और यहाँ से आप स्कैन, फोटोकॉपी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ग्लास का दिया गया है। और बात की जाए इधर साइड में, तो साइड में यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, 5 बटन्स दिए गए हैं और एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है LCD वाली। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो है पावर बटन देखने को मिलता है, ये ऑन ऑफ के काम आएगा। और यहाँ पे आपको अगर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप रखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर ये वाला बटन प्रेस करेंगे, सेकंड वाला, ये फर्स्ट बटन या सेकंड बटन प्रेस करेंगे तो आपको ब्लैक एंड वाइट कलर में फोटोकॉपी मिलेगा, और सेकेंड वाला बटन प्रेस करेंगे तो कलर फोटोकॉपी मिलेगा। यहाँ से आप दूसरे फंक्शन का है ये, पेपर वगैरह अगर आप बाद में डालते हैं, इरर दिखाता है तो इसको करेंगे तो इरर वो चले जाता है, हट जाता है। और ये जो है क्रॉस का बटन, कोई भी आप प्रिंट कर रहे हैं, ज़्यादा प्रिंट हो गया है तो यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो यहाँ पे तीन प्रिंट चाहिए आपको, तो आपने 1 2 3 4 4 बार दबा दिया गलती से तो 3 प्रिंट हो गया, उसके बाद आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, या 4 प्रिंट होने के पहले भी आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप वापस से यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, जितना भी आपको प्रिंट चाहिए, 4 बार चाहिए तो 4 बार दबा दीजिए, अगर 4 प्रिंट चाहिए तो। इस टाइप से यहाँ पे ये फंक्शन करता है। और कॉस्टिंग की भी बात की जाए तो ये आपको 10 पैसा पड़ता है ब्लैक एंड वाइट के लिए, और कलर के लिए आपको पड़ता है 20 पैसा पर पेज। और ये प्रिंटिंग स्पीड की बात की जाए तो आपको पर मिनट 19 पेजेस आप प्रिंट कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट के, और कलर के आप 15 पेजेस यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं पर मिनट में आप कलर के। तो ये कुछ स्पीड की बात हो गई। और प्राइसिंग की बात की जाए तो 10,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे आपको इसकी प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। अगर आप अभी अमेजोन से परचेस करते हैं तो आपको 1,100 का कुछ डिस्काउंट मिल रहा है SBI कार्ड के थ्रू अमेजोन से, आप HP की साइट में भी ले सकते हैं। तो आप HP के जो सेंटर रहते हैं वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, प्राइसिंग आपको हल्की फुल्की चेंजेस देखने को मिल जाती है हर जगह, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ से। तो ये यहाँ से कुछ ऐसे बैक का यहाँ से ऐसे इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे हल्का सा धूल हो गया है,
इतना प्रोटेक्ट करने के बाद भी। और अगर प्रिंटर आप लेते हैं तो उसके साथ में आप कवर भी ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कुछ स्टेप से कवर आता है आपका, और यहाँ पे इलास्टिक लगी होती है, और ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाता है। मैं फिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप से फिट हो जाता है और काफ़ी अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो ये प्रिंटर के साथ ही आ गया था, मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो ये डस्ट वगैरह से अच्छे से प्रोटेक्ट करता है हमको। जो इंक टैंक प्रिंटर रहते हैं उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना होता है लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन में। तो बात की जाए तीनों प्रिंटर जो लेज़र रहते हैं, इंक टैंक रहते हैं और इंक जेट रहते हैं, तो तीनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो इंक टैंक की बात की जाए और इंक जेट की बात की जाए, सबसे पहले तो इंक जेट में आपको सबसे सस्ते मिल जाते हैं, 3,000 से कम में भी कई प्रिंटर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो इनिशियल कॉस्ट है वो तो कम है, लेकिन जो एक्चुअल जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टिंग उसकी पड़ जाती है। जैसे जैसे इसमें लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का 10 रुपये, तो उसमें करीब आपको पड़ जाता है 4 रुपये, 5 रुपये, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर कॉस्टिंग पड़ जाती है। लेज़र जेट में भी आपको अगर ब्लैक एंड वाइट लेते हैं लेज़र जेट, तो उसमें आपको और फंक्शन नहीं मिलेगा, खाली आपको फोटोकॉपी की और प्रिंट ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है और आप उसको रफ़ रफ टफ यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा आपको देख के यूज़ करना पड़ता है इंक टैंक को, और लेकिन जो कॉस्टिंग होती है जो लास्ट में निकलती है, इनिशियल कॉस्टिंग तो आपको ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जो प्रिंट की कॉस्टिंग है वो आप कवर करेंगे जितना भी प्रिंट किए हैं, तो ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है ओवरऑल आप देखेंगे तो। और लेज़र प्रिंटर में पूरे फंक्शन वाले कलर वाले आप लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है, और उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट आपको 1 रुपये 2 रुपये कुछ पड़ता है। तो सबसे बेटर मेरे हिसाब से इंक टैंक ही होता है। अगर आप प्रिंटर लेने की सोच रहे हैं तो एक बार आप पैसा डाल दीजिए, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। बस बेशर्ते आपको कोई अच्छा कंपनी का प्रिंटर लेना होगा, जैसे HP हो गया, और भी कंपनी है ब्रदर्स वगैरह हो गए, तो कैनन है, उसके साथ जा सकते हैं आप। बाकी सर्विस सबकी अलग अलग है, HP की सर्विस सबसे अच्छी है इस प्रिंटर के रेंज में, तो इसलिए मैंने HP के साथ दिया है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व हो जाए जल्दी। और मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी लिया हुआ था 2 साल का, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कवर हो जाए उसमें। तो आप भी ले सकते हैं, 1,000 रुपये कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा, और स्टैंडर्ड वारंटी आप इसमें ले सकते हैं। बात की जाए प्रिंटिंग क्वालिटी की, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है हमको प्रिंटिंग की, कोई उतना इशू नहीं है इसमें। स्पीड वाले यहाँ, हाँ आप बोल सकते हैं कि लेज़र से हल्की सी स्लो है, लेकिन ठीक है अगर आप छोटा बिजनेस या फिर घर से यूज़ कर रहे हैं, घर के पर्पस के लिए, हाउस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, कोई नो डाउट बहुत ही अच्छा प्रिंटर है ये। मैं आपको प्रिंटिंग करके भी दिखा देता हूँ, इसकी स्पीड कैसी है, क्वालिटी कैसी है, वो थोड़ी देर में हम आपको प्रिंट करके भी दिखा देंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आप मोबाइल के थ्रू भी OTG के यूज़ से आप प्रिंट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही आप प्रिंट कर सकते हैं। तो एक वर्जन और आता है इसका 416 419 करके, तो अगर आपको वाईफाई वर्जन के साथ जाना है तो उसके साथ जा सकते हैं, ये वाईफाई वर्जन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता वाईफाई वर्जन की कोई ज़रूरत है। अगर आप मोबाइल के थ्रू ही OTG की हेल्प से आप प्रिंट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वाईफाई आपको परचेस करना चाहिए 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देके। लैपटॉप के हेल्प से तो ऑब्वियस आप इससे प्रिंट कर सकते हैं, और मोबाइल के हेल्प से भी आप इसको इससे प्रिंट दे सकते हैं, कलर हो या ब्लैक एंड वाइट हो। लेकिन आपको ब्लूटूथ और वाईफाई का इसमें वर्ज़न नहीं मिलता 316 में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वाईफाई का उतना ज़्यादा कोई यूज़ होता है, तो 3,000 रुपये ज़्यादा देखिए वाईफाई लेना तो कोई मुझे नहीं लगता ऐसे लेना चाहिए। तो हम प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं। प्रिंटिंग कमांड मैंने पहले से दे के रखा हुआ है, और पेपर मैंने डाल दिया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, लैपटॉप से कनेक्टेड है ये प्रिंटर के बैक साइड में, और यहाँ पे हमने जैसे कनेक्ट किया यहाँ पे कुछ आपको साउंड सुनने को मिल रहा होगा, और
और कुछ यहाँ से आपका पेपर निकल के आएगा। आपको स्पीड का पता चल जाएगा। लैपटॉप क्या बंद हो चुका है, देखते हैं कितना निकलता है। तो यहाँ पे एक ही प्रिंट निकला है क्योंकि लैपटॉप बंद हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक होना चालू हो गया और यहाँ से आपका प्रिंटिंग चालू हो गया। इधर लैपटॉप से कनेक्टेड है हर चीज़, लैपटॉप से कनेक्टेड है। तीन ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं और भी प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको स्पीड समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, एक लास्ट प्रिंट यहाँ पे हो रहा है। तो ज़्यादा कंटेंट नहीं है प्रिंट के जो पेज में है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। ये हमारा पूरा पांचों पेज जो है वो प्रिंट होके आ चुका है और स्पीड आपने देख लिया होगा कितना स्पीड हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ब्लैक एंड वाइट में।